जी फाइनल टच हो रहा है, ये देखें इसको रूफ को भी हमने, मैंने वही, मैंने कहा हालांकि वो पेंट किया हुआ है इनका, लेकिन वो अच्छा लगेगा कि जो ये पोर्स को इनको सारा कलर किया सके इसमें सारा ये कर देगा, यहाँ से कंप्लीट। अब वो आएंगे लड़के, होपफुली हमारे होते हुए ये काम हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन कपड़ा जो लगाना अभी बांध देंगे। अभी तकरीबन ये सुबह का 10-11-12 का टाइम है, जो भी है शाम को हमने आपको बताया कि आज निकल जाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा खैरियत से हम आगे बढ़ जाएं, और जो फ्लाइट है रात की देखते हैं जो अल्लाह को मिल दो। तो इसलिए मैंने कहा चलो अच्छा जाते जाते ये आपको बता दूँ, ये देख लें जी जाते जाते ये इनको बच्चों को बुलवाया था, लड़कों को आ गए तो पेंट हो गया था, तो अभी ये फाइनली उसको उसके ऊपर बांध रहे हैं। तो अब ये जो बीच का जो गैप है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो शीट इसकी वो शार्ट हो गई, तो स्पेशली वो हैदराबाद से ये पहले मंगाई थी, अब शार्ट होगी तो अब वहाँ से आएगी, तो वो फिर बाद में शहरयार इसको सब पर पूरा बाद में करवा लेगा और पेंट भी बाद में करवा लेगा तारा करे। तो मैंने कहा जाते जाते आपको, बस हमारे भी जन में भी 2-3 घंटे ही बाकी है, 3-4 कह लें, 4-5 घंटे हैं टोटल। तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा दूं जाते जाते आपको, ये देखिए अभी हमारे जाने में सिर्फ समझो 3 घंटे तकरीबन पड़े हैं, रोज़ा खुलने के बाद जाना है तो 3 घंटे हैं, तो अभी भी आखिरी मोमेंट पर मैं कह रहा हूँ कि मेरे सामने काम कम्प्लीट हो जाते, ऊपर जो ये बोर्ड लगाने थे कैप लगा के, ताकि देखें कितने ज़्यादा ही मैंने तादाद में लगवाए, ताकि ये हवा है विंड है कुछ भी हो तो ये हिले नहीं ये शीट ऊपर से, कई मरतबा ऐसा होता है शीटें उड़ जाती हैं या आवाज़ करती हैं गड़गड़ हवा चलेगी, तो ये अभी भी काम कर रहे हैं और मैं भी साथ शेव करके भागा, मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप बना दूँ आप लोगों के लिए, और बस बाकी जो अल्लाह की मर्जी, अभी बाकी इसको इंजॉय करेंगे वापस दोबारा जब आएँगे, जब तो रंग वाला भी आलमोस्ट फिनिश करने के करीब है, इनका भी काम था फिर उन्होंने ये टाइटी करने। अभी भी मैंने आप लोगों को छोड़ना नहीं है, अब बस फाइनल हम गाड़ी तैयार खड़ी है, सामान रख चुके हैं, जाने से पहले मैंने कहा फाइनल आपको बता दूं, देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, चलो अभी हमारी किस्मत में इसके वो कहना चाहिए इसको इंजॉय करना, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं था, इंशाल्लाह ज़िंदगी पड़ी है ज़िंदगी बखैर, नहीं तो हम नहीं तो बच्चे इंजॉय करेंगे। आप ये देखें कि ये सारा ये छत इस तरह बनाई है, ये ख्वाहिश थी इसकी मामा जैद वाइफ मेरी, वो कहने लगी नहीं इसको आप ग्रीन, वो मुझे अच्छा लगता है वो, ये टुकड़ा उसमें कर लिया, और अगर आप गौर से करें कि स्लैंड यानी टेपर ऊपर से ऐसे नीचे को गिरा आके ये इससे मिल गया ऐसे, और ये इस तरह, और इसकी स्लोप ऑलरेडी बताई कि इस तरफ को है 6 इंच यानी ऐसे नीचे, तो पानी नहीं रुकने का सवाल, फाइनल हो गया, सिवाय इसके कि ये पीस जो मिसिंग था तो इसकी शीट मुकाई हुई है इसके ऊपर रख के, और बस उसको रंग कर देना, तो इंशाल्लाह ताला फिर अब जब दोबारा मैं आऊँगा तो फिर आगे वहाँ से इसको देखेंगे फर्दर, कुछ और अल्ट्रेशन करनी हुई नहीं नसीब, कुछ और करना हो तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, देखें जी जिना टर्मिनल कराची खैरियत से पहुँच गए, रात के अभी 12 बजे हैं, 2-3 मिनट बाकी हैं, इधर अब मैं चेक स्पॉट से निकल जाऊँ फिर करता हूँ। तो अब आप पार्किंग की तरफ से आप आए हो इमरान, या कि वो मेन या अच्छा हाँ पार्किंग के अंदर से है ना, फिर आपको बड़ा हाँ समझ गए निकलना पड़ता है फिर वहाँ पूरा निकल, तो आप बीच में से हम निकल जाएंगे, ठीक है मैं समझ गया, यहाँ तो अक्सर इसी पॉइंट की तरफ हम रुके हैं, ये एयरपोर्ट का मैकडॉनल्ड भी है यहाँ, तो बस अब दुआ करें, हम भी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए वेलकम टू जिन्ना टर्मिनल कराची पाकिस्तान, हाँ ये भी ठीक है, चले जी हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, अब देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या है, बिल्कुल एम्प्टी लग रहा है, खैर हम टाइम से भी पहले हैं लेकिन बिल्कुल एम्प्टी लग रहा है इस वक्त, है ना सर, यूजुअली तो बिजी होता है इस वक्त, हाँ और इंटरनेशनल अराइवल पे आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं, वरना बहुत बिजी होता है इस वक्त यहाँ पे। लेकिन चले अब आपको बताएंगे कि अंदर क्या होता है आज हमारे साथ, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं। तो
तो चले जो जो होता जाएगा देखते जाएं आप हमारे साथ नहीं से जो जो होता जाएगा देखते जाएं एलिवेटर पे ये समय आ यहाँ कहीं फंस के गिर जाएगा आगे देखते हैं सन्नाटा देख के पाकिस्तान एयरपोर्ट पे तो खौफ आ रहा है। देखे कोई ये देखे डनकन ऐसे लग रहा हमारे सिवा कोई यहाँ है ही कोई तो शीरी ये खुले में लेकिन पता नहीं क्या बात मुझे पता क्या एलिवेटर यहाँ इसका पता नहीं अब देखेंगे आप ही कह रहे हैं इस तरफ है एलिवेटर देख रहे हैं हम इनसे पूछ लेना आप चलते जा रहे हैं चले चले जी फर्दर आपको दिखाते जाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अंदर ये अंदरूनी मुल्क है हमने जाना है बैरूनी मुल्क देखें यहाँ तो थोड़ी बहुत दुनिया नज़र आ रही है अंदरूनी मुल्क में इंटरनेशनल लिखा है यहाँ पे वाकई लोग नज़र आ रहे हैं वहाँ पे देखते हैं अब क्या आता है और बाद में फिर आपसे बात करेंगे अपने पासपोर्ट्स वगैरह निकालेंगे काफ़ी देर बाद सांस लिया हम लोग हमने कहा इससे पहले कि यहाँ रश हो जाए वैसे रश नहीं है अभी कुछ हम अर्ली भी हैं और 1:13 AM हो गया अब जैद आप डिटेल बताएं क्या हुआ क्या पे किया आपने और क्या उन्होंने कहा बता दो मेरे दाने पूरे हो गए मेरे पैसे पूरा हो गया इधर तो हो नहीं सकता तेरे दाने पूरे हो बता दो ना बताएं जो क्या पहुंच के फिर दस नहीं नहीं अभी बताएं यहाँ का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करें फिर आगे से तू दूसरा शुरू होगा कुछ भी नहीं सूरत हाल ये है कि ये कह रहे हैं रैपिड टेस्ट का अरेंजमेंट है लकीली के अबू धाबी में और कतर और दूसरे लोगों ने सब ने अपने इसीलिए बंद कर दिए कि अब ये रिक्वायरमेंट है 48 आवर्स की कर दी उन्होंने समझ रहे पहले 72 था उससे पहले 96 था फिर 72 हो गया अब 48 आवर्स हमारे वो जब टेस्ट कराया तो वो ऑलरेडी ख़त्म हो गए अब जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपने वहाँ रैपिड टेस्ट की उनकी फैसिलिटीज़ है अबू धाबी में ख़ास तौर पर इतिहाद वालों की इनकी तरफ से उसका फीस है पर हेड उसकी वो यहाँ आपने पाकिस्तान में ही पे करनी है हाँ। अगर आप यहाँ पे नहीं करेंगे तो उससे डिराई करेंगे तो आपको बोर्डिंग पास इशू नहीं करेंगे तो हमें ख़बर ये मिल गई थी तो हम वो कैश लेके तकरीबन ठहरा दीदी फूक निकल जावे ज़रा हवा चले कोई नहीं पता ये एयरपोर्ट पे शोर हो रहा है शोर क्या हो रहा है आवाज क्या जाएगी इतना हुन में चीख चीख के बोल रहे इतना तो मेरे घर तुम्हारी आवाज वैसे भी बहुत दूर तक वैसे ही जा रही हो इतनी जरूर तो मेरे घर से इतना खड़का नहीं होता जितना इथे हो रहा है तो वो एक 1% का तकरीबन 18,000 कह ले 17,700 समथिंग है तो आप 18,000 उसको कह ले 1% पाकिस्तान रुपीज तो आपने यही पे करना चेक इन के दौरान उसकी वो रसीद आपको इशू कर देंगे अबू धाबी में जैसे ही उतरेंगे आप उनका कोई एक वहीं से गाइडलाइन मिल जाएगी कोविड टेस्ट के लिए रैपिड टेस्ट के लिए आप वहाँ चलें ये रिसिप्ट उनको दिखाएं वो उसी वक्त आपका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और एज सून एज पॉसिबल जैसे कह रहे हैं कि 1.5 आवर के अंदर वो आपको रिपोर्ट दे देंगे तो हमारा चूँकि वो लियो रहा है तकरीबन 4 आवर्स का तो मैं नहीं समझता कि कोई रुकावट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे तो हमने वो पे कर दिया यहाँ पे करके रसीद ले ली बोर्डिंग हो गई लेकिन ये भी मैं एडवाइजेबल है ये चीज़ के चूँकि इतनी फॉर्मेलिटीज़ है देखिए उन्होंने चेक इन के दौरान आपकी होटल की बुकिंग जो टोरंटो की वो भी पूछी उसका ऐप का पूछा कि ऐप में आपने किया हुआ था हाँ भी किया हुआ फिर उसने वो देखी वो डाली तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एयरपोर्ट पे पूरे वो इंफॉर्मेशन नॉर्मल से नहीं इंफॉर्मेशन से ज़्यादा जो बात है कि टाइम से पहले आए ये ना करें कि पहले की तरह जब बंदा कहता 2 घंटे भी रह जाए तो कोई बात नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने उसमें फीड करनी है बड़ा टाइम लग रहा है चेक इन का 1 देने का
बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा, तो आप अर्ली उस पर आ जाए। हम यूँ समझ लो कि दूसरा तीसरा बंदा ही बंदे हम ही थे बस। सही बात, ये है सारी सूरत हाल। अब और इसमें क्या बताऊँ। अच्छा, वो पैसों के लिए जो उनके पास कैश का भी है और आप डेबिट भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है, जो भी आप यूज़ कर लें। तो ये हमें बड़ी सुकून तसल्ली हुई है इस वक्त कि उन्होंने कहा है कि अभी तक अबू धाबी से फ़्लाइट जो है कैंसिल नहीं हुई हैं, और अगर हमारा कोविड नेगेटिव आता है तो फिर इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे टोरंटो। अगर नेगेटिव नहीं आता तो वो तो फिर आपको सबको रूल्स पता है, वही फॉलो करेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, लेकिन स्ट्रेस काफ़ी रिलीव हो गया हमारा, तो अल्लाह का शुक्र है पहुँच गए। अब थोड़ा सांस लें, पीछे जाए चाय भी बन रही है वैसे गर्म गर्म। पता नहीं ये कड़ी चाय बना रहे हैं, चाय पी लेंगे यहाँ पे आपके साथ, आप भी हमारे साथ पीजिए चाय। तो हमारा वादा था कि आपको क्लियर करते जाएंगे, तो अब यहाँ यहाँ जो जो हो रहा है, अब इसके अंदर क्या होगा। अच्छा, वैसे इन्होंने बहुत ये आपको दिखा देंगे कि किस तरह सीटें भी हटा दी हैं। वो तो पहले ही हटाई हुई है, सीटों का गैप किया हुआ। आप पहले आए ना, मैं तो ट्रैवल करता रहना ना, तेनों पता नहीं है ना। ये कोविड में ट्रैवल करते रहते, ये कहा पिछले साल भी किया हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्होंने बाकायदा सीटें ही निकाल दी है बीच में से, ताकि कोई बैठे ही ना। तो अलग अलग मेरे और फिर भी बैठ जाता। हाँ, जैद जैसे वैसे फिर भी बैठ जाता, मेरा हाथ थक गया, वहाँ पकड़ा मेरी उंगली ही मुड़ गई। तो बस इसमें बात और क्या बात नहीं कर रहे, ब्लॉग तो पूरा करेंगे अपना। तो आप इनको वो भी दिखा दें या चल के दिखा दीजिए बस, सीटें कैसी हैं सर। नहीं तो वो तो कैमरा सीधा करोगे तो ही होगा ना, मेरे से नहीं होता ऐसे चलते बैठे रहो, अभी उठना नहीं है। चुप हिली ना, तो इतने चुप कर बैठी। ये देखें आपको इन्होंने सीटें ही निकाल दी है, एक सीट पर बैठ सकते हैं दूसरे पे नहीं। लेकिन जरा कोई है लोग जो तत्ते लोहे तो भी बह जाते, उन्होंने फिर भी बह जाना। अब ये लोहा नजर आ रहा है, आयरन। आप भी तो बैठे हैं। हाँ, मैं भी बैठा हूँ, तो मेरी भी बैठे हैं। रफ एंड टफ बंदा अभी इस पर भी बैठ जाएगा, क्या है ये देखिए सारा। तो चले, सो फार सो गुड, लेकिन हु का अलग है। बंदे बहुत ही मिनिमम, आप देख लें जिस तरफ आपको कोई बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं। हम जैसे ये जिन्होंने ये देखें, अबू धाबी चेक इन शुरू का वो बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा डिस्प्ले। चलें जी वॉक करें, कितना बैठेंगे सर, सकते नहीं हम बैठे बैठे अभी। एक्चुअली हम लोग स्ट्रेस इतना थे दो दिन से, खैर जैद तो सो रहे थे स्ट्रेस में भी। ये याद है अक्षा कह रही थी जब स्ट्रेस हो तो सो जाए, तो आपने वही काम किया, स्ट्रेस हो और सो जाए। उसकी एक वजह और भी थी कि पता नहीं मैंने कैसे मिसकैलकुलेट किया, मैं समझ रहा था हमारा ले ओवर 2 घंटे 20 मिनट का। मैंने एक वीडियो में भी कहा, वो लाइबा बेचारी ने हमारा स्ट्रेस खत्म किया। वो कहने की किसने कहा 2 घंटे, मैंने कहा पता नहीं मुझे तो ऐसे ही लगा था। वो कहीं पुराना पिछला टिकट जो पहले की हमारी जो बुकिंग थी ना, मैं उसमें देखा तो इतना था। अब ये दूसरा ये वाला जो इसमें 4 आवर्स का है, तो अब हम बड़े खुश हो गए कि 4 आवर्स का वहाँ ले ओवर है, तो उसमें हमारी रिपोर्ट वगैरह होकर सारा चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, खाली बातें करेंगे, कोई चाय पानी भी पिलाएंगे? चलो ना, आ जाओ चाय पीते, पानी पिलाता हूँ उस तरफ। चले, तो पैसे तो को सारे मेरे खारे से खाले छड़े कोई नहीं। तो अब मैं क्या मतलब 3 हुड़की खड़ा हूँ, जाके टोरंटो खाई भाई। अच्छा जी, उधर से लेते हैं कि पानी और दूसरा मुझे चल इसको पकड़ लें या मैं कैमरा पकड़ूँ, दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। चले, अच्छा जी चले, अब पूछें इनसे कि कौन सी चाय बनाएंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ बैठे फिर अंदर बैठना पड़ेगा, अंदर बैठ जाए बाहर बैठ जाए, तो आपको कहना पड़ेगा ताकि हम यहाँ सरफेस नहीं, उन्होंने भी जाके कहा है और बैठे, आप बैठ ही गए। मैं क्या शायद मेरे को कोई स्पेशल चीज़ बेटा, पानी की 2 बोतल दे देते हैं छोटी बोतल है ना जी सर, वो कर दे। और चाय कौन सी है? चाय नॉर्मल इंग्लैंड वाली, अच्छी सी बना दो गर्म, बस दो वो बना दे, दो चाय बना देते हैं। चले शुक्रिया, अच्छी से बनाइएगा भाई। पैसे पेमेंट अभी करें, थैंक यू। हाँ दो गया मासी मुँह। हाँ यहाँ पे आप खाने पीने के एरिया में था, मुँह दिखाई था, पैसा भी दे दे थोड़ा। ये पानी पिए मुँह दिखाई में जो घर से चले, मैं बुखार से मुंह यकीन करे खोला नहीं हमने। हाँ, नहीं जाहिर करें, और बच्चों ने कहा था कि आप अपने हाथ और मास्क दोनों मास्क लगा के रखें, हाथ साफ रखें, सैनिटाइजर मैंने यहीं पे रखे हैं। हाथ तो साफ करके आज इन्हें चिट्टे हो गए, और की करिए सी। हाँ और भी देखें, और भी करें। नहीं।
अब पानी पिया जाके, अब होश आया थोड़ा। चलो फिर मैं भी पी लूं। इसको पकड़ना है तो मैं भी पी लूं। पानी दो घुट पी ला, पानी दो घुट पी लो। वो छमुआ हंस उतार के पियो ना। मास्क लगे वो को पी। या अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम टू ड्रिंक टी। मेरी चाय आ गई यहाँ कराची। पॉसिबली पाकिस्तान की आखिरी चाय सो फार। फॉर नाउ कह दो। जानते जानते भी कोई चीज छड़ी ना कोई। आसमान आपको कौन सी चीज नहीं चाहिए? ब्राउन के वाइट जिन्निया पूड़ियां सारी खाली कर दो। मैं कहा वाइट चाहिए कि ब्राउन चाहिए? ना मैं कुछ भी नहीं करना है, शुगर नहीं डालना। मैं कभी शुगर खाता हूँ पहले? मैं भी नहीं खाती, लेकिन ये टी बैग वाली बगैर खाते हालत तेरा। हाँ आप तो बेचारे खाते ही नहीं। आप तो बेचारे मुंह पे सील लगाई हुई है ना। मास्क पहना नहीं। टेस्ट करके बताओ मुझे कैसी लगी। टेस्ट करके बताएं कैसी है। उम्मीद है कि अच्छी होगी। ये है लिप्टन की, गर्म बहुत है अभी। कैसे टेस्ट को आपकी तरह थोड़ी गर्म। वैसे तो आप बहुत बनते हैं, कैमरा बंद होते ही शुगर के पुड़ियों के पुड़ियाँ डाल रहे हैं। सवाल मुझे तो ये बताओ कि ये खुल क्यों नहीं रही? तो आसानी से कटनी चाहिए ना। उनको मैं करूँ, मैं कोई कैंची ले गया होता। आप रॉन्ग जगह से खोल रहे हैं। नहीं कैसे पता नहीं। अभी देखो ये प्लास्टिक है, ये खींच। चले चाय पी के बताएं कैसे बातें कम बनाए। नहीं पहले मेरी कंप्लेंट तो जरा उधर लॉन्च करके करे बेचारे को जाके कंप्लेंट। उसको कर ही रहे आपको। खांसी को जरा संभाल के रखें। एक ने क्या चाचा पता नहीं क्या सिरप, वो अभी मैंने मैसेज पढ़ा। नहीं तो मैं वो पी के आता, बोला बिल्कुल खांसी नहीं आएगी, बड़ा साह भी नहीं आना नाली देखो। कहता चाचा आप वो सिरप वाला पी लो। अब वो पता ही नहीं मुझे, अगर पहले पता होता मैं वाकई ले लेता। मैं देखो लोगों का एक्सपीरियंस होता है अपना अपना। वैसे तो वो पता नहीं किसी ने बताई थी यहाँ बेटे ये बताई थी कि अगर आप पैनाडोल पोन्स्ट्रान क्या खा लो, पैनाडोल खा लो तो कोविड नेगेटिव आता है। आप कमेंट करके बताएंगे ये वाकई सही है। ऐसी फेंकी हुई है ये, हवाई छोड़ी हुई है। हवाई छोड़ी हुई है ऐसे किसी ने मार दी। एक मेरे दोस्त है वो कहते हैं वो वाइट प्याज नहीं है, तकरीबन इतना जैसा ये टेबल टेनिस की बॉल होती है, इतने साइज का बुरा आप ये खा लें। बोला दुनिया जहान में बुरा टेस्ट करा लें, बुरा नहीं पॉजिटिव आई गई नहीं। इंशाल्लाह यार कहाँ कहाँ से नुस्खे लाते हैं। लेकिन ये याद है कि एक साल पहले इसका एक फार्मूला तीन चीज़ें थी, अब तो मैं नाम भी भूल गया। उसको बॉयल करके जैसे हर्बल टाइप की पी, वो भी गारंटी से कहते बोला हो सवाल ही पता नहीं तो ये। It's just the immune system, vitamin C best. आप चाय पियेंगे आज की तारीख में या चीनी घोलते जाएंगे? हम नहीं पी कर आए मुझे ना। बस इसको रहने दे, आप साइड पे निकाल दें। चाय नहीं, मम्मी तो आखिर कोई थोड़ा बहुत है, कोई लम्मा करा ब्लॉग लो। है देखना ना अभी एक तरीका दे दो चीज सोच रही हूँ। हूँ इन रखा मैं कितने चले बड़ी गर्म है जब भी कप भी गर्म ही नहीं है। दे रहे हैं उसने गर्म बना के दी, ठंडी दे देता तो भी कंप्लेन होनी थी। ठीक है चाय है जो हम घर पे बनाते हैं वो तो नहीं है। टी बैग वाली चाय हमारी वो घर वाली तो नहीं है ना। आप बनवा नहीं नहीं वो मैं वो आप लोगों का इतना देखा है ना आप लोगों को तो मैं आपको पहचान गई और वो अंकल को मैं पहचान गई ना। मैं कहीं वो ही लग रहे हैं मुझे। मैं भी आती हूँ बस सामान रख के। मास्क उतारने आया था। अच्छा मास्क मैं कैसे बताऊंगी कि मैं सेलिब्रिटी से मिली हूँ। है अंकल अंकल मास्क उतारे चलिए थैंक यू। चले जी मास्क
चले जी हमने पी है चाय। चाय पे आप लोग देख ही लिया होगा एक को तो वो व्लॉग में आई होंगी फॉलोअर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो अनाउंसमेंट तो होती रहेंगी इस तरह की अपडेट करते रहेंगे। हमारी आवाज तो जाएगी नहीं इसमें तो वो बंद होंगे ना अगर तो मच्छर सब तो घूम रहा मच्छर हटा तो चलें आप मिले। आपने बहुत खूबसूरत बलोची ड्रेस पहना हुआ था पिंक कलर का मुझे बहुत पसंद आया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना बस मैं क्या अभी कहूँ अब बस ऑलमोस्ट हमारा टाइम होने वाला है बोर्डिंग का और आधा घंटा रहता है और उसके बाद देखें वो न्यूयॉर्क से थी फॉलोअर जो मिली हमें यहाँ से इत्तेहाद पे ही हमारे साथ जा रही है लेकिन उनको कोई टेस्ट एक्स्ट्रा नहीं करवाना पड़ा कुछ भी नहीं देखी ये सिर्फ रूल कनाडा के लिए ये कनाडा के लिए नहीं कनाडा वालों ने तो उन्होंने कोई उनको जाके भी कोई ऐसा मसला नहीं क्वारंटीन वगैरह का कुछ नहीं है कोई वहाँ पूछ गछ नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैं आई थी मेरी दोस्त जो निगत है तो वो अलग गई थी वो कह रही थी नहीं वहाँ तो ऐसा मसला नहीं है कुछ लेकिन अब आप पकड़े मेरा हाथ जाने वाला गिरने वाला आपका कहना बस और बाकी बात क्या करें बातें तो हो गई। कहीं और इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी कनाडा में ये बताने का मकसद ये था इसीलिए वहाँ पे कंट्रोल भी है ये भी आप देखें ना कि वहाँ पे कंट्रोल है वहाँ पे वरना यूएस में तो बहुत बुरी हालत है इंडिया में बहुत बुरी हालत है। तो जैद अब यहाँ से ब्लॉग ख़त्म करेंगे और कर बोर्डिंग के बाद नहीं बोर्डिंग दिखाएँगे आप टेक ऑफ वगैरह दिखा दीजिएगा आपने और उसके बाद फिर शुरू करेंगे हम अबू धाबी से। कितने खूबसूरत है बड़े बच्चे के लिए अगर पर जायरा के नाप का होगा इनके पास नहीं ये तो बड़े के साथ दो दो साल के बच्चे के कंफर्टेबल भी नहीं होगा। पूछे इनसे छोटा बच्चे का है इनके पास पूछते अगर इससे छोटा साइज है भाई आपके पास वो जो बाहर लगे हुए हैं ये बलोची टाइप के छोटी सी बच्ची के है 3 महीने की बच्ची के छोटे से छोटा कौन सा साइज है ड्यूटी फ्री आगे चलो आइए लेके चलो बैग अपने साथ। ये कितने साल की बच्ची का ये कितने साल की बच्ची का तो महीनों का तो नहीं साल तक कम से कम 1 साल की बच्ची को 1 साल कम से कम जाना आ जाएगा। ये कलर है ये कलर है ये सब बहुत बड़े बहुत बड़े है ना 3 महीने की बच्ची वो तो आगे काम आ जाएगा बच्ची को कुछ महीने बाद पहना सकते हैं बस यही है आपके पास है ना और नहीं ये और ये नीचे लटका होता है ना पीला वाला सही चले देखते हैं अब मेनू ना कुछ बनाऊं दे फोटो खींचनी है कि नहीं मेरा चैनल बैठा दे खींच ले तो मैं भी खींच लूंगा दे चल इस बंदे ने इतनी बीमारी आधे घंटे का ये बैठा नहीं मैं कह रहा हूँ बैठे तो मैं उधर तस्वीर कर ऑलमोस्ट खाली की तरह ही है बस एक और बीच में सीट का गैप है आप ये राइट वाली पे बीच वाली खाली है तकरीबन सारे जहाज में लेकिन इसके साथ वैसे भी सीटें खाली हैं अगर आपने देखी ये खाली है। दूसरा मुझे आज ये समझ नहीं लेकिन इन्होंने हमें बिल्कुल आज कभी तो ये मुझे विंग पे बिठाते हैं आज ये पहली दफ़ा हुआ कि दुम पे बिठाया आखिरी सीटें कि पता नहीं 1.5 किलोमीटर चल के हम जहाज़ की एंट्री से आए हैं आप सोचें चल 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 के तो हावे हो गए हमने तो दिल किया कि हम कोई राइड लेने फिर पहुंचूं मैं जहाज़ की दुम पे तो ये तकरीबन आखिरी सीट पे ही बिठा दिया आज ही क्योंकि अल्लाह जाने इसकी क्या वजह होगी तो चले कोई बात नहीं कभी दुम पे भी पैर देना चाहिए एक एयरलाइन को। टाइम टू फ्लाई और जैद ऑलरेडी सो गए फ्लाइट पूरी खाली है और हमारी फ्लाइट अर्ली जा रही है हाफ एन आवर 25 मिनट्स जैद उठ गए मैं दिखा ही रही थी कि आप सो रहे हैं अभी तो ग्राउंड पे ही है तो क्या करूँ पावर नैप ले रोलैक्स कर रहे थे बस अल्लाह मियाँ ऐसी नींद है जब मर्जी सो जाओ जब मर्जी उठ जाओ ये
खुशकिस्मत लोग मुझे तो नहीं, मैं तो पूरी रिलैक्स अपने तकियों के अलावा नहीं भी आती। जहाज इतना खाली है, पूरा जहाज खाली और हमें दुम पे लिटरली पूरा जहाज खाली। ये सेकंड लास्ट सीट है जिसपे अपना जो चले हम वहाँ तो 15 कोस हम चल के फिर अंदर आए। उन्होंने कहा कि आप आराम से टेल पे बैठ के रहें। टेल पे बैठ के रहना ये कहते दुम पे पैर रखता मैं सानू बिठाओगे दुम पे बिठाओगे तो पैर दुम रखा जहाज पूरा खाली तो सीटा आगे दे